पल ऐसे पवित्र वातावरण में बताने का अवसर मिला। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे चित्रकूट में एक संत समागम में जाने का सौभाग्य मिला था। आज यहां सतना में जनता जनार्दन के दर्शन हो रहे हैं, ये मेरे लिए दोहरे सौभाग्य की बात है। मेरे परिवारजनों, ये संतों और देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। इस बार भी एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है, त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से सौ कुछ दूर ले जाएगा। यानी एक वोट तीन कमाल। साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और वर्षों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा, मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में लड़ने की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोडमैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है, एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं खुद स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात
हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहां की भाजपा सरकार को 10 साल तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने हर काम में रोड़े अटकाए, काम करने नहीं दिया, रुकावटें पैदा की। अभी 2014 में ही तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की डबल ताकत मिली है। एमपी को जिस अंधेरे कुएं में कांग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल पाई है। अब तेज विकास का समय आया है, सबके विकास का समय आया है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, नौजवान, किसान, हर किसी को अब उसका हक मिलेगा। मेरे परिवारजनों, गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा, होती है कि नहीं होता है। जिंदगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है, उसको एक पता चाहिए, उसे अपना एक घर चाहिए। वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो अचरज हो जाता है, 4 करोड़ घर। कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के कारण एमपी उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए। यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है, 1,32,000। देखिए, हमारा गणेश जी कह रहा है, और गणेश जी के मुंह से जो निकलता था ना, उसका बड़ा सामर्थ्य होता है।
और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है, मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिनको अभी घर नहीं मिला है, ये मोदी की गारंटी है, उनका घर भी बनेगा, उनको भी घर मिलेगा। आप सब लोग निश्चिंत रहिएगा, मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है। जैसे ही 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार लौटेगी, पीएम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा, हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं, जब मोदी घर देता है ना, तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है। सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि उसमें बिजली भी है, गैस कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी है, नल भी, और नल में जल भी है। साथियों, पक्के घर के साथ साथ मुफ्त राशन का भी पक्का इंतजाम, ये भी मोदी की गारंटी है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूल्हा बुझेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी, अब मोदी ने निश्चय किया है। आपको मालूम है कितना बड़ा संकट था, मौत मंडरा रहा था, हर लोगों को लगता था कहीं घर में कोरोना घुस गया तो गए काम से, बाहर निकलना मुश्किल था। और तब मोदी ने तय किया था, मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सो न जाए, ये रात भर मां तड़पती न रहे, ये मोदी ने पक्का किया था, और इसलिए मुफ्त राशन देना शुरू किया था। और ये मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर महीने में 1 महीने के बाद पूरी हो रही है। तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोचना चाहिए, दिसंबर में इसको पूरा नहीं होने देना चाहिए, ये गरीबों के कल्याण का काम है, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन का आदर्श, यही तो ईश्वर का आदेश होता है, और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने पक्का मन बना लिया है कि दिसंबर के बाद भी गरीबों के वो मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए चलाऊंगा। 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। इससे सतना जिले के लगभग 2 लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी। आज ऐसे लाखों परिवार, 4 लाख, देखिए गणेश जी पक्का रखते हैं सब हिसाब किताब, आज ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों लोग मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन गरीब कल्याण के इस फैसले का कारण मोदी नहीं बल्कि आप ही लोग हैं। आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली भेजा है, अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा, आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए, ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं 10 साल में भाजपा सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं, और इसमें से एक रुपया भी इधर का उधर नहीं हो पाया। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद के बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी लेकिन वो सीधी कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य आपने एक चौकीदार को बिठा दिया, 14 में मोदी आ गया, और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस वजह से गरीबों के 3.25 लाख करोड़ रुपए, याद करो 3.25 लाख करोड़ रुपए कितने, 3.25 लाख करोड़ कितने, जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए कितने, 3.25 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चेले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में जाने थे उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है। यह काम किया है जी। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे, क्या करेंगे, गाली देंगे कि नहीं देंगे, गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया, कौन लाया मोदी को, मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है, और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। इसलिए कांग्रेस अपनी सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी परेशान करने पर लगी हुई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है, कभी मत भूलिए।
कांग्रेस आई तबाही लाई, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं, अब आज क्या काम कर रहे हैं, दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दसों तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है वो एमपी के गरीब वंचित मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते। मेरे परिवारजनों, सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास में हमें मिलकर तेज करना है। भाजपा सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को नया विस्तार देने चाहती है। केंद्र की भाजपा सरकार रामायण सर्किट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। चित्रकूट सहित एमपी के अनेक स्थान इस योजना का हिस्सा है। ये क्षेत्र सीमेंट कारखानों के लिए जाना जाता है। आने वाले समय में यहाँ दूसरे उद्योगों का भी विस्तार किया जाएगा। उद्योगों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी और पर्याप्त बिजली की जरूरत है। आज भाजपा डबल इंजन सरकार की इस पर बहुत जोर दे रही है। जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर के इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं पैदा बनेगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती से जुड़े उद्योग, इनके लिए आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है। यहां एमपी में छोटे मझले और लघु उद्योगों के लिए भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दी। भाजपा सरकार ने एमपी में लगभग 250 औद्योगिक क्षेत्र और 50 से अधिक एमएसएमई क्लस्टर भी स्वीकृति किए हैं। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद इन सभी पर काम और तेज हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, इन चुनाव में मेरे जो पहली बार वोट देने वाले नौजवान है, जो पहली बार वोट देने वाले बेटे बेटी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मेरे युवा साथी हैं, मैं कहता हूं इस बार नेतृत्व आप कीजिए, पूरे चुनाव को लीड आप कीजिए। पूरे देश के आशीर्वाद आपके साथ है। भाजपा अब एमपी को समृद्धि के शिखर की तरफ ले जाना चाहती है। ये सिर्फ अपना विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये आपका भविष्य चुनने का चुनाव है। अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपको कमल का फूल चुनना है। मैं आज अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी एक बात कहूंगा, जो भाजपा कार्यकर्ता इस रैली में है, जो भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कोने कोने में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, मेरे लिए सारे कार्यकर्ता, चाहे मैं उनको मिल पाऊं या न मिल पाऊं, अखबार में उनकी तस्वीर छपे या न छपे, टीवी पे कभी वो नजर आए ना आए, ऐसे लाखों कार्यकर्ता, चार चार पीढ़ी से जुटे हुए परिवार, ये मेरे लिए वंदनीय लोग हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धा का केंद्र है। जब उनको मैं परिश्रम करते हुए देखता हूं, जी जान से जुटे हुए देखता हूं और सिर्फ एक ही इरादा होता है, भारत माता की जय, उससे अधिक जिसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का काम भाजपा ने किया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है,
जिसने भाजपा को आज यहां इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज एमपी के कांग्रेस की हालत खराब है। हर बूथ पर कमल खिले, इस संकल्प के साथ हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आप घर घर जाएंगे, इतनी बड़ी सभा के बाद ये तो नहीं कहोगे ना बहुत हो गया, ऐसा नहीं करोगे ना। हर बूथ में जाओगे, कमल खिलाओगे, कांग्रेस को साफ कर दोगे, बीजेपी को शानदार जिताओगे, पक्का गारंटी। देखिए इस चुनाव में आप ही की गारंटी है, भाजपा को जिताने की गारंटी। अच्छा मेरा एक काम करोगे, ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा व्यक्तिगत काम है, करोगे? आवाज ठंडी हो गई आप लोगों की, ऐसा प्यार क्या आपका? ये मेरा निजी काम है, करोगे? सब करोगे, पक्का करोगे? देखिए आप घर घर जाइए, गांव गांव घर घर जाइए और जाकर के बताना कि मोदी जी सतना आए थे, आप सबको उन्होंने प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? आप उनको जब मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाएगी और देश के लिए काम करने के लिए मुझे एक नई शक्ति मिलेगी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।